वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग फार्मूला के हवाले से। लव बर्ड का सीज़न जिस तरह स्टार्ट हो चुका है और बहुत से लोग ब्रीडिंग फार्मूला सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, समझने वाली बात यह है कि बहुत से ब्रीडिंग अलग अलग किस्म के ब्रीडिंग फार्मूलाज आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, बट आपके बर्ड्स के लिए आपकी एवरी के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज़ के बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूला भी आपको बताऊँगा और उसी के साथ साथ नेचुरल पेयरिंग क्या होती है, अगर एज डिफरेंस होता है आपके पेयर के दोनों बर्ड्स के अंदर तो उसके अंदर आपने पेयरिंग किस तरह करनी है, बर्ड्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी हो तो उसको पूरा किस तरह करना है, इसके अलावा ब्रीडिंग विटामिन क्या क्या इसको देने हैं, सॉफ्ट फूड और मिक्स सीड, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करके देने वाला हूं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, और अगर आपको लगे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी के काम आ सकती है, तो लाजमी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देर के चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग किस्म के ब्रीडिंग फार्मूले बताने वाला हूँ। उसमें से एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत ही हाई म्यूटेशन पे जो ब्रीडर्स काम करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम मालूमात आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। अच्छा जी, सबसे बड़ा मसला आता है मेल फीमेल की कन्फर्मेशन का। इसके ऊपर मैं एक कम्प्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मेल फीमेल किस तरह आप फ़र्क कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। दूसरा मैंने ये भी बताया है कि पट्ठों में और अडल्ट पेयर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक और बहुत बड़ा मसला ये आता है कि मेल फीमेल कन्फर्म है, एज भी दोनों अडल्ट हैं, मगर फिर भी पेयरिंग नहीं कर रहे, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी फीमेल मेल से बड़ी है। यानी आपने जब भी अलग अलग दो अलग अलग जगहों से आपने मेल फीमेल परचेज किए हैं तो उसमें आप एज डिफरेंस देख लीजिए, मेल बड़ा होना चाहिए फीमेल से। जिस तरह रिंग नेक के अंदर होता है कि फीमेल अगर बड़ी होती है और मेल छोटा होता है तो फीमेल उसको मारना शुरू कर देती है और पैर अच्छा नहीं लगता, बॉन्डिंग आसानी से नहीं होती, तो यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ब्रीडिंग पे ना आने की एक और वजह यह भी होती है कि आपका बर्ड्स पहले से ही कमज़ोर होता है, मिसाल के तौर पर वो सीप में होता है या उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है या तो फिर वो चर्बी में आया हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में भी आपका बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करता या ब्रीडिंग पर नहीं आता। अच्छा जी, बर्ड खरीदते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह चेक करके आपने लव बर्ड को ख़रीदना है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल पेयरिंग की। देखिए दोस्तों, अक्सर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने जब भी किसी भी बर्ड्स का सेटअप लगाना है तो पट्ठों को परचेज़ कीजिए और उन्हें अपने पास तैयार कीजिए। अब लव बर्ड को लव बर्ड इसी वजह से कहा जाता है कि ये अपने पार्टनर को खुद चुनते हैं, और जो ये नेचुरल पेयरिंग करके जो ये पेयरिंग करके रिजल्ट देते हैं वो ऐसा पेयर होता है जो गर्मी में सर्दी में आपको ब्रीड देता रहता है, बिल्कुल बजरी की तरह वो लगातार चलता रहता है। अक्सर आपने भी सुना होगा, भाई हमारा पेयर तो जो है वो पूरा साल ब्रीड करता है, हम उसको रेस्ट तो देते हैं मगर फिर भी वो पूरा साल लगा रहता है। तो ये वही पेयर होते हैं जिन्होंने नेचुरल पेयरिंग की भी होती है। अच्छा जी, इस तरह के पॉइंट मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी पॉइंट निकल सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग फार्मूला की। पहले ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जो कि नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला है, और इसे मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अपने पास भी मैं यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, आज हम आ गए हैं ज़रा घर के बाहर अपने मिनी गार्डन में, और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये एक पहले छोटा सा एक बालिश का पौधा लगाया था मैंने, आज देख लीजिए इतना बड़ा माशाल्लाह से दरख्त बन चुका है। और भी आप देखें तो चारों तरफ आपको ट्रीज नज़र आएंगे। प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा आपने इस तरफ भी तवज्जो देनी है। अच्छा जी, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसे मोरिंगा ट्री कहा जाता है, जिसे सुहाजना या सेजन का दरख्त भी कहा जाता है, सेजन की फली भी आपने कभी ना कभी खाई होगी। अच्छा, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो ये इसके लीव्स आप देख लीजिए, कुछ इस डिज़ाइन के इसके लीव्स होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। पहले तरीके में आपने ये शाख तोड़ ली है और इसको आपने अच्छी तरह धो लिया है, ये देख लीजिए आप, धोने के बाद हमने उसको ड्राई कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये ड्राई हो चुका है, मतलब झटक दिया आपने सारा पानी। अब हम इसको अपने केजीज के अंदर डालेंगे। अब कितना डालना है, पेयर के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपली जो है वो इसकी एक शाख को इसमें से तोड़ लेना है छोटी वाली टहनी को, और वो अपने एक पेयर के अंदर डाल देना है। अब ये मैक्सिमम साइज़ जो है हमारे पास, तो क्योंकि दरख्त है माशाल्लाह से, तो ये इसका मैक्सिमम साइज़ है। इससे थोड़ा सा कम भी हो तो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। साइड इफ़ेक्ट इसके होते नहीं हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि मोरिंगा फ़ायदा क्या करता है और ये किस तरह एज अ ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ हो रहा है। पहली चीज़ के देखिए, जितने भी बड़े ब्रीडर हजरात हैं जो कि हाई म्यूटेशन पे काम करते हैं, जब आप उनको सर्च करेंगे तो वो ब्रीडिंग फार्मूला नहीं लगाते। वो अपने बर्ड्स के विटामिन्स को पूरा कर रहे होते हैं, उनके मिनरल्स को पूरा कर रहे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन को देख रहे होते हैं। तो हमने भी यही करना है, अपने बर्ड्स के अंदर कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला, उनको हीट पर लाने के लिए ब्रीडिंग फार्मूला आप मत लगाइए। मखसूस जगहों पे लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा आपको। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमने करना क्या है कि अपने बर्ड्स के अंदर जितनी भी मिनरल्स की और बाकी चीज़ों की कमी है उसको पूरा करना है। और जब आपका बर्ड जो है वो इस तरह से तैयार होता है तो फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको उससे प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और वो बर्ड्स भी लॉन्ग लास्टिंग आपके पास चलेगा। मोरिंगा के फ़ायदे बेशुमार हैं। आप एक दफ़ा गूगल पर सर्च करके देखिए तो आप बोलेंगे कि ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं पता थी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ के मोरिंगा करता क्या है कि अगर इनके अंदर मिनरल्स की कमी होती है मोरिंगा वो पूरा करता है, कैल्शियम की कमी होती है वो भी पूरा करता है, विटामिन की कमी होती है वो भी पूरा करता है, इसी के साथ साथ इनकी सारी न्यूट्रिशन को मैनेज करता है और इनको ब्रीडिंग पर भी लाता है। ये भी इसका एक काम है मोरिंगा का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरी चीज़ के, आपने ये जो डंडी तोड़ी थी वो भी आपने इनके केज में थोड़ी थोड़ी डालनी है, जो जहाँ तक हरी है। अभी मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, ये डंडी जो है वो अंदर से हरी होगी, ये आपने इनके केजेस के अंदर थोड़ी थोड़ी तोड़ के डाल देनी है। और ये डंडियाँ भी वो कुतर कुतर के खा जाएंगे बहुत मज़े से। और ये देख भी लीजिए आप कि आपने कौन सी वाली डंडी देनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर से जो है वो हरी है, ये आपने इनको देनी है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने मोरिंगा पाउडर का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना है, जो कि इनके पत्तों का पाउडर होता है, आपको मार्केट से मिल जाएगा। मैं तो अपने लिए ख़ुद बनाता हूँ इसको, पीस के सुखा के पीस के साफ़ सुथरा करके, आपको मार्केट से बना बनाया भी मिल जाएगा। देने का तरीका, आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स के अलावा बाकी सारे सॉफ्ट फूड में ऊपर से छिड़क के मोरिंगा पाउडर दे देना है। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ अभी की। फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर इन्होंने 3 अंडे रख दिए हैं। अच्छा जी, मेरा हाथ जो है वो सही नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से वीडियो जो है वो गुजारे लायक ही बन रही है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, माशाल्लाह से इन्होंने भी अंडे रखे हुए हैं और ये गालिबा 5 से 6 अंडे मुझे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाला पेयर भी देख लेते हैं हम, और इसने भी माशाल्लाह से अंडे रखे हुए हैं और ऊपर जो है वो बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ जा रहा है। हाँ जी, रखे हुए हैं। अच्छा, इनकी जो प्रोग्रेस आएगी वो उसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा आने वाले वक्तों में। इसके अलावा हमने इनकी न्यूट्रिशन को किस तरह मैनेज करना है, देखिए पहली चीज़ आती है मिक्सीड। मिक्सीड के ऊपर मैं एक अच्छा सा रेशो आपको बता चुका हूँ उनके दाने का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सॉफ्ट फूड। अच्छा जी, मुख्तलिफ किस्म की सॉफ्ट फूड मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इनको फ्रूट देने हैं, वेजिटेबल्स देनी है जिसे ग्रीन फ्रूट कहा जाता है, और अनाज देने हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर मैं हमेशा से जोर देता हूँ और सॉफ्ट फूड के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई भी हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर भी मैं आपको सरसरी बता दूं कि जो भी मौसमी फ्रूट होते हैं वो आप इनको दे सकते हैं, जो भी मौसमी सब्जियाँ होती हैं वो आप इनको दे सकते हैं, और उसके अलावा आप इनको अनाज दे सकते हैं। तो ये था नेचुरल तरीका ब्रीडिंग फार्मूला, जिस तरह आप अपने बर्ड से मैक्सिमम ब्रीड ले सकते हैं। अब दूसरे ब्रीडिंग फार्मूला की भी बात करते हैं, उससे पहले एक दो चीज़ें मैं और आपको बताना चाह रहा था। दोस्तों, लवबर्ड को लवबर्ड इसी वजह से कहा जाता है कि ये अपने जोड़े खुद बनाते हैं। अब तरीका मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पट्ठे लेने हैं और पट्ठों को एवरी में छोड़ देना है, उसे अपने पास तैयार करना है और उसके बाद उनके पेयर लगाने हैं। जो जो पेयर उनके आपस में लगते रहें वो अलग करते रहिए आप, ये बेस्ट तरीका होता है पेयरिंग का। ऐसे पेयर आपके साला साल ब्रीड करते हैं। आपने लाजमी कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि हमारे पेयर तो साला साल ब्रीड करते हैं, उनको सीज़न से कोई मतलब नहीं होता। तो ये वही पेयर होते हैं जो के नेचुरल पेयरिंग करते हैं और उसके बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
दूसरी चीज़ आती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। आपने ये दो चीज़ें लवबर्ड के अंदर लाजमी कंट्रोल करनी है, वरना आपकी ब्रीड ख़राब हो सकती है। अच्छा जी, कितनी होनी चाहिए? टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20 से 28 के अप्रोक्स होना चाहिए, वैसे तो 25 आइडियल होता है। और इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी होनी चाहिए तकरीबन 40 से 70। अगर कम होगी तो भी मसला है, अगर ज़्यादा होगी तो भी मसला है। इसका बेहतरीन हल ये है कि एक मीटर आता है डिजिटल मीटर, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, वो आप अपने एवरी के अंदर लगा लीजिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपके एवरी के अंदर कैसा माहौल चल रहा है। इसके अलावा दो और मसले जो मेरी नज़र में आए हैं, कई लोग ये गलतियां कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि लोग वॉशिंग नहीं करते, वो दाना पानी के अंदर अगर उनको टाइम लग जाता है तो बस वो वही करते हैं, बैठ के वॉश अलग से नहीं करते। आपने अलग से बैठ के वॉश करना है, चाहे आप 15 मिनट या आधा घंटे के लिए ही करें। जब आप बैठ के उनको वॉच करेंगे तो उस वक्त बर्ड्स के सारे मसाइल आपको नज़र आ रहे होंगे कि कौन सा बर्ड फूल के बैठा है, किसकी आँख में मसला है, कौन ज़्यादा खुजा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, तो आप अपने बर्ड्स को और आसानी से और बेहतर तरीके से सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने अपने केजेस को अगर इंडोर रखा हुआ है तो आपने अंधेरे में नहीं रखना किसी केज को। जिस केज में अंधेरा ज़्यादा होता है वहाँ पर ब्रीडिंग पे फ़र्क आता है, तो आप केज लाइट जला के रखिए। भले आप मगरबी एशिया में उसको बंद कर दीजिए, मगर केज लाइट होनी चाहिए अगर आपका इंडोर सेटअप है और वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा है तो। दूसरा, ब्रीडिंग फार्मूला जो है इनको हीट पे लाने के लिए होता है। जब ये सारी चीज़ें जो मैंने अब तक आपको बताई सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद भी बर्ड जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो उस वक्त, सिर्फ उस वक्त आप ये ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक कम्प्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल भी बताई है और कब आपने किस बर्ड्स को वो यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका भी, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। अब मसला यही आता है कि बहुत से लोग जो है वो इसको समझे बगैर ही ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो मेरे भाई मेरे दोस्त ब्रीडिंग फार्मूला बता रहे हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते, इतनी डिटेल नहीं बताते कि आपने किस बर्ड्स को देना है, क्यों देना है ब्रीडिंग फार्मूला। तो ये सारी डिटेल मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, वरना आप लोग भूल जाते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी के काम आ सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, तो लाजमी इस वीडियो को किसी ना किसी एक जगह ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लवबर्ड के अलावा किसी भी बर्ड्स के हवाले से कोई भी मसला आ रहा हो या कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।